अद्वैत चंदन का कहना है कि उन्हें दो फिल्मों के बाद अपनी खुद की कहानी का निर्देशन करने में मजा आ रहा है। अद्वैत ने 2017 की सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान को निर्देशित किया। आमिर अभिनीत लाल सिंह चड्ढा एक व्यावसायिक और आलोचनात्मक फ्लॉप थी, जबकि वो एक फिल्म के भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। अतुल कुलकर्णी ने फॉरेस्ट गंप लाल सिंह चड्ढा का हिंदी रूपांतरण लिखा। मुझे अपने काम का निर्देशन करने में मजा आता है। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीटीआई के बारे में बताया कि वो लाल सिंह के लिए लिखने से चूक गए। अभिनेता क्या सोच रहा है, जब मैं किसी और की स्क्रिप्ट का उपयोग करता हूँ तो मैं इसे अलग तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ। अद्वैत चंदन ने दावा किया कि वो फिल्म उद्योग में शामिल हो गए क्योंकि वो 90 के दशक में एक फिल्म प्रशंसक थे। स्कूल खत्म करने के बाद मुंबई में जन्मे निर्देशक विज्ञापन में चले गए, जो उन्हें आमिर खान प्रोडक्शंस में ले आई तारे जमीन पर सहायक निर्देशक है। 10 साल बाद उन्होंने 2022 की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार और लाल सिंह चड्ढा बनाए। कई लोगों ने आमिर द्वारा कम बुद्धि वाले व्यक्ति के चित्रण के लिए फिल्म की निंदा की। अद्वैत ने मुख्यधारा के सिनेमा में 16 साल बिताए हैं और कहते हैं, केवल इस बात की चिंता करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो लोग हमारी फिल्मों को देखने के लिए इतना भुगतान करते हैं, वे आलोचना कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि किसी कहानी को जोश और पूरी तरह से पेश करूं। मैंने सीक्रेट सुपरस्टार की परवाह की और कहा, लाल सिंह चड्ढा मेरी कहानी नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ये पसंद आया, इसलिए मैंने इसे बताया। मैं प्रतिक्रियाओं, प्रशंसा या ईंट पत्थर को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं एक वेदरमैन की तरह हूँ। केवल जिन चीजों को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, वे ही उसकी चिंता करती हैं। लेखन उनकी चिकित्सा है और निर्देशक ने दावा किया कि उन्होंने कुछ विचार शुरू किए हैं। वो आगे अपनी खुद की स्क्रिप्ट निर्देशित करने का इरादा रखता है। मेरा अगला प्रयास कुछ ऐसा होगा जो मैंने लिखा है, उम्मीद है।